हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो इंग्लिश जो कंपटीशन एग्जाम में आती है उस लेवल के अकॉर्डिंग हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था अपना कंजंक्शन का। कंजंक्शन टॉपिक था और इस कंजंक्शन टॉपिक के बहुत से कॉन्सेप्ट हमने तैयार भी कर लिए थे। ठीक है, आज हमारा जो न्यू जो पॉइंट रहेगा इस कंजंक्शन का वो है इधर और, EITHER और, कई इसको आइदर और भी बोलते हैं, इधर और। देखिए इसके कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं, किस प्रकार के कॉन्सेप्ट से यह जो टॉपिक है वो एग्जाम में पूछा जाता है उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए पहले तो आप समझे जो इधर और है इसका मीन क्या होता है। इसका मीन होता है या तो या, मीन होता है इसका इधर और का या तो या। अब समझे आप इसको कि यह क्या करता है, दो में से किसी एक के बारे में बताने के लिए यह जो आइदर और या जिसे अपन इधर और बोलते हैं यह काम में लिया जाता है। यानी जो अपना इधर और है वो दो में से एक को या दो में से एक के बारे में कहने के लिए यह यूज लिया जाता है। अपना जो यह कंजंक्शन है इधर और, यह इधर और कंजंक्शन इसका मीन होता है या तो या। देखिए दो में से एक के बारे में, दो में से एक के बारे में बताने के लिए यहां पर इधर और जो कंजंक्शन है उसका यूज किया जाता है। देखिए यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, उस एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। इधर मोहन और सोहन, इधर मोहन और सोहन, इधर मोहन और सोहन हैज स्टोलन माय बैग, इधर मोहन और सोहन हैज स्टोलन माय बैग। यहां से ध्यान देखना, कल जो अपना जो कंजंक्शन बेसिक था उसमें मैंने बताया था कि यहां पर जो लेवल है इनका समान रहेगा। यदि यहां पर सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट ही आएगा, यदि ये सब्जेक्ट रूप में नाउन है तो यहां भी नाउन ही आएगा, यदि यहां प्रोनाउन है तो यहां भी प्रोनाउन ही आएगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया था। यहां एडवर्ब है तो एडवर्ब आएगी, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, ये चीज देखना है। यहां से हम बात कर रहे हैं इधर और की, तो देखिए इधर और में यहां भी मोहन दिया नाउन है और यहां सोहन दिया नाउन है, तो यहां पर इस रूल को फॉलो कर रहा है कि यहां पर जो लेवल बना था दोनों जोड़ने के लिए ये समान लेवल को क्या करता है, ये जब इधर और से दो वर्ड जब जुड़ते हैं तो इनका लेवल क्या होता है, समान होता है। तो यहां पर देखिए मोहन और सोहन इस लेवल के लिए ये दोनों क्या बने, नाउन है और नाउन दोनों को जोड़ने के लिए इधर और का यूज किया गया। यहां से खास बात देख लीजिए, जब आपको सेंटेंस में कॉमन एरर के बारे में कहा जाएगा तो यहां पर डेफिनेटली आपको वहां हैव दिया होगा, क्या दिया होगा, हैव दिया मिलेगा। तो यहां से देखना है कि यहां पर जो एच वी एम वी आएगी वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो डिपेंड करेगी आपके और के बाद वाले सब्जेक्ट पर, और के बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा ये आपका हैज और हैव, या मैं कह दूं आपकी एच वी। यहां से देखेंगे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर सिंगुलर एच वी, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहां पर प्लूरल एच वी काम में ली जाएगी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया,
कॉमन एरर यही से बनता है। यहां वो क्या करेगा, आपको प्लूरल वर्ब देगा और कहेगा सेंटेंस में कहीं पर भी कॉमन एरर है तो उसे सर्च कीजिए, ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए। तो यहां पर आपको बताना है कि यहां केवल और केवल यहां यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर एच भी आएगी, सब्जेक्ट यदि यहां पर प्लूरल है तो प्लूरल एच भी आएगी। इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा इस वर्ब के साथ। वर्ब का निर्धारण केवल होगा तो और के बाद वाले सब्जेक्ट से ही होगा। समझ आ गया, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखते हैं नेक्स्ट, आगे इसका जो सेकंड जो एग्जांपल बनता है वो कुछ इस तरीके से है, आइदर यू और सी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखिए ये सेंटेंस जो मैंने लिखा इसमें देखिए यू यहां प्लूरल था, यहां पर सी सिंगुलर है, तो यहां पर जो मैंने इज एचवी जो मैंने काम में ली है वो केवल और केवल किसके किसके ऊपर डिपेंड थी, ये और के बाद वाला जो सब्जेक्ट जो सी दिया इसी के अनुसार मैंने यहां पर ये एचवी रखी है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके आएगा। अब देखना एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना है कि यहां पर सेंटेंस में क्या एरर है, आप बताओगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहां पर ही आइदर रीड्स और ही राइट्स, ये दिया मैंने, ही आइदर रीड्स और ही राइट्स, क्या यह सेंटेंस करेक्ट है, एरर है तो कहां है। तो देखिए आइदर के बाद यहां पर दिया हुआ है वर्ब और के बाद यहां दिया हुआ है आपका प्रोनाउन। तो देखिए आपका इधर और का यूज क्या कहता है, यहां पर इनका लेवल समान होना चाहिए, यहां पर वर्ब है यहां पर प्रोनाउन है, ये चीज नहीं चलेगी भैया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब हमें करना क्या है, देखिए यहां सब्जेक्ट इक्वल था तो मैंने सब्जेक्ट को एक साथ रख दिया, फिर यहां से देखिए एक वर्ब लगाई रेड्स, फिर लगाया और फिर दूसरी आपकी जो वर्ब है वो लिख दी राइट्स। इस तरीके से आपका ये एग्जांपल बनेगा। ठीक है, तो ये था अपना इधर और का यूज जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है और अक्सर तैयार एग्जाम में पूछा भी जाता है। सबसे ज्यादा कॉमन इधर बनती है वो एक बनती है यहाँ आपसे, जो जो इधर के बाद दिया हुआ वर्ड और के बाद दिया हुआ वर्ड ये इक्वल नहीं होते, एक समान नहीं होते, इनका लेवल समान नहीं होता, एक तो वो होता है और दूसरा आपका यहाँ से देवी जो एचवी है ये एचवी आपको पता करनी है, एचयूएमवी पता करनी है, जो आएगी यहाँ पर एचयूएमवी वो और के बाद वाला जो यहाँ पर वर्ड होगा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एचयूएमवी यूज में ली जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये था आपका इधर और, देखते हैं नीदर नॉर, जिसे नाइदर नॉर भी कहा जाता है। आगे का अपना जो यहां पर पॉइंट रहेगा वो रहेगा नीदर नॉर, जिसे अपन नाइदर नॉर भी आप कह देते हैं। देखिए ये क्या कहता है, ना तो ना ही, क्या मीन होता है इसका, ना तो ना ही। यहां से मैं समझू कि दो कैंडिडेट यहां भी रहेंगे लेकिन दो में से किसी के लिए नहीं के बारे में, दो में से यहां पर कोई नहीं है उसके बारे में कहने के लिए हम ये नीदर नॉर का यूज करते हैं। दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई नहीं, दो हैं और दो में से कोई नहीं के लिए हम नीदर नॉर को यूज में लाते हैं। समझ गए, चलो देखिए यहां से हम सेंटेंस बनाएंगे, एग्जांपल देखेंगे इसका। नीदर नीदर श्याम नॉर मोहन हैज गॉन टू मार्केट। यहां भी ध्यान दें आप लोग, यहां पर देखिए यहां भी क्या होता है, इसके बाद का लेवल और इसके बाद का लेवल इक्वल होना चाहिए। यहां यदि मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है तो यहां भी सब्जेक्ट ही होना चाहिए, नाउन है तो नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन होना चाहिए, ये बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो देखिए यहां पर भी नाउन था और यहां पर भी क्या था, नाउन था,
नीदर के बाद भी नाउन था और नोर के बाद भी नाउन था। यहां से देखिए एचवी यहां जो बनेगी वो इसके अकॉर्डिंग आपको बनानी है। एचवी जो बनेगी वो किसके अकॉर्डिंग बनानी है, जो ये दिया हुआ वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एचवी बना दें। ठीक है, ये था आपका इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे सी एच नाइदर रीड्स नॉर राइट्स। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको समझे, यहां जो है नीदर है उसके बाद दिया हुआ वर्ब और जो नॉर है उसके बाद भी दिया हुआ क्या है वर्ब। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो कॉमन एरर आ रहा है, देखिए जब नाइदर या नीदर आपका दे दिया वहां पर आपको क्या है नोट नहीं देखना है, वहां उस सेंटेंस में नोट नहीं आएगा। तो यहां भी देखिए मैंने कहीं भी नोट को यूज में नहीं लिया है और अपना जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो एज इट इज जो था वो नेगेटिव सेंस में किसके लिए था, जो इधर और था वैसा ही नेगेटिव सेंस के लिए क्या है नीदर नोर है दो में से कोई नहीं के लिए हम नीदर नोर को यूज में लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत बार इस सेंटेंस को एग्जाम में पूछा भी गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये विशेष ध्यान रखना कि दो में से कोई नहीं के लिए अपन नीदर नोर को यूज में लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे जो अपना टॉपिक होगा वो है नॉट ओनली बट आल्सो का। हम यहाँ पर जो आगामी जो अपना टॉपिक होगा वो है पॉइंट है नॉट ओनली बट आल्सो। बहुत बार इसको भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। आज का अपना तीसरा जो पॉइंट है वो होगा नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ना केवल, न केवल बल्कि भी इसका मीन होता है, लेकिन देखिए अब समझना, न केवल पहला, ना केवल पहला जो दिया हुआ है और इसका हो जाएगा बल्कि दूसरा भी। देखिए बात को समझना, ना केवल पहला बल्कि दूसरा भी, दो दिए हैं तो दो के दो, ना केवल पहला बल्कि दूसरा भी, दो दिए हुए हैं तो दो के दो। आई बात समझे, तो यहां समझे इसका मीन नॉट ओनली न केवल बट आल्सो बल्कि भी इसका क्या होता है मीन होता है। एग्जाम में इस लेवल से भी बहुत से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, समझना। यहां पर मैंने जो इसका हिंदी जो मीन लिखा है वो क्या है, ना केवल पहला, ना केवल यहां दिया हुआ पहला बल्कि दूसरा भी यहां दिया हुआ वो भी जो आगे वर्ब है उससे वो रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलो देखिए बात करेंगे हम यहां आगे। देखिए एग्जांपल लिखा मैंने इसका, नॉट ओनली श्याम बट आल्सो मोहन, नॉट ओनली श्याम बट आल्सो मोहन हैज, कोई भी आप वर्ब ले लीजिए जो आपके एच यू एम बी से रिलेटेड हो, हैज पास्ट द एग्जाम। समझने की कोशिश करें, नॉट ओनली, अब देखिए यहां से भी क्या बनता है, इसके बाद यदि नाउन है तो यहां भी आपके नाउन, इसके बाद नॉट ओनली के बाद यदि प्रोनाउन है तो बट आल्सो के बाद भी प्रोनाउन। देखिए नॉट ओनली के बाद यदि नाउन है तो बटाल्सो के बाद भी क्या होगा नाउन, नॉट ओनली के बाद यदि प्रोनाउन है तो बटाल्सो के बाद भी क्या होगा प्रोनाउन होगा। यहां से दिया हुआ जो सेंटेंस है नॉट ओनली, यहां दिया हुआ है श्याम बटाल्सो यहां दिया हुआ है मोहन, तो आप इतना ध्यान रखें यहां श्याम अपने आप में एक नाउन था और मोहन भी क्या है अपने आप में नाउन है। तो कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि यहां सिमिलर जो वर्ड है वो होने चाहिए, उनका लेवल जो है वो क्या है समान होना चाहिए। उसके बाद देखिए मैंने यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज ली है वो लिया है हैज। देखिए ये हैज किसके अकॉर्डिंग आया, यहीं से अपन लोग गलती कर देते हैं, एरर अपने यही बनता है। यहां से अपन लोग समझ लेते हैं कि यहां दोनों है तो चलो यहां पर एच वी भी उन दोनों के लिए ही आएगी,
बल्कि यहां पर आपको एचवी लेनी है, वो इस सेकंड वाले से ही एचवी लेनी है, इस सेकंड वाले के अकॉर्डिंग ही आपको यहां पर एचवी देनी है। तो यहां जो भी है उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर तो सिंगुलर एचवी और प्लूरल है तो प्लूरल एचवी आपको यहां पर देनी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद अपन एक आगे का जो एग्जाम्पल है वो अपना कुछ इस तरीके से रहेगा कि यहां से आप लोगों ने इक्वल किया नाउन, यहां इक्वल रखा आपने नाउन, सब्जेक्ट को इक्वल किया। अब मैं यदि इक्वल करता हूं मेरे ऑब्जेक्ट लेवल को, जो ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, और इसका जो एग्जाम्पल बनेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, राम इज नॉट ओनली ए ड्राइवर बट आल्सो ए टीचर। ध्यान से समझना, यहां से जो मैंने लिखा है वर्ड, जो सब्जेक्ट मैंने दिया है, यहां दिया है मैंने नाउन, इसके अकॉर्डिंग यहां पर मैंने एचवी रखी, लेकिन मैंने वर्ड दिया नॉट ओनली। अब नॉट ओनली क्या कहता है कि इसके बाद एक सिमिलर वर्ड जो भी यहां आपने दिया वो सिमिलर वर्ड उसी लेवल के अकॉर्डिंग किसके बाद होना चाहिए, बट आल्सो के बाद होना चाहिए जो मैंने यहां पर रखा। आपके जो एग्जाम में कॉमन एरर बनता है वो किस तरीके से बनेगा, या तो वो यहां से डिफेंड करेगा इसको, या फिर क्या करता है वो यहां पर डिफरेंट वर्ड रखेगा। आपको देखना है कि यहां पर नॉट ओनली के बाद दिया हुआ जो वर्ड है वो यहां पर ए ड्राइवर जो अपने आप में यहां पर एक नाउन का काम कर रहा है, यहां भी किस रूप में काम करना चाहिए, नाउन रूप में ही ये फॉलो होना चाहिए। यदि मैं किसी अन्य रूप में इसे लिख देता हूं तो यहीं से अपना क्या बन जाएगा, कॉमन एरर बन जाएगा। ये थे आज के अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्शन। आगे आने वाली जो क्लास होगी उस क्लास में शेष रहे जो कंजंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।